फैंसूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे लोग YouTube की तरह अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं और इन वीडियोस के रिवॉर्ड में यहाँ पे लोगों को इथीरियम मिलता है। आप लोग यहाँ पे लोगों की अर्निंग जो है देख सकते हैं और फिर उस इथीरियम को आप लोग अपने वॉलेट में बहुत आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में करें, बाइनेंस में करें, जहाँ पे भी आप लोग करना चाहते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, एक वीडियो के रिवॉर्ड में हमें यहाँ पे कितना इथीरियम मिलता है, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों पर ही बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त में पूरी दुनिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है, मगर हमारा यूट्यूब, हमारा फेसबुक, हमारा ट्विटर जो कि टॉप के सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, मगर अभी तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे नहीं आए हैं। मगर इस बीच में फैंसूट या ऐसे और 8 से 10 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अपनी जगह बनाने लग चुके हैं, मतलब ये कि लोगों का इंटरेस्ट हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। मैं आप लोगों को ये मशवरा हरगिज़ नहीं दूंगा कि आप लोग ट्रेन के भरने का इंतज़ार करो, बल्कि मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आज और अभी से फैंसूट या ऐसा कोई भी आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, आपको वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अपनी वीडियोज़ को वहाँ पर अपलोड करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्निंग है इनके नेटिव टोकन्स में होती है जो कि ईजीली विड्रॉएबल होते हैं। और सेकंड बात यह है कि आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन का इंतज़ार नहीं करना होता है और यहाँ पे आप लोगों को अपनी वीडियोस को बूस्ट करने के लिए गूगल एडसेंस के ऊपर ऐड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ये तमाम काम कैसे होने वाला है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इससे पहले कि हम अपने अकाउंट को क्रिएट करें, हम ज़रा इस प्लेटफॉर्म को समझ लेते हैं। हम इस वक्त हैं होम पेज पे और यहाँ पे रहते हुए हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वीडियो का, मतलब ये कि इस जगह पे रहते हुए आप शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस बहुत आसानी से देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पोस्ट का, जैसे आप फेसबुक या ट्विटर पे पोस्ट करते हो तो यहाँ पे भी आप सेम उसी तरीकाकार से अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हो और उन पोस्ट के ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे इनका खुद टोकन जो है हासिल होता रहता है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है मैसेजेस का, जहाँ पे आप ग्रुप चैट कर सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का, मगर इस ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे जब हम यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम वापस आते हैं होम पे। अब यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट है फूड का ऑप्शन। इस प्लेटफॉर्म का नाम है यार फैंसूट, मगर इनका जो नेटिव टोकन है ना जो कि हमें वीडियोस की सूरत में रिवॉर्ड में मिलता है वो है फूड। अब यहाँ पे रहते हुए आपके पास में सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रोफाइल का। प्रोफाइल में रहते हुए ये आपको आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता है, आपका यूज़र नेम, आपके यहाँ पे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने यहाँ पे व्यूज़ हो चुके हैं, कितने आपको यहाँ पे वोट्स मिले हैं, आपके यहाँ पे इस वक्त कितनी अर्निंग हुई भी है, वो तमाम चीज़ें, और आप अपने इथीरियम को या फूड टोकन को यहाँ से कैसे सेल कर सकते हैं, वो तमाम ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे हासिल हो जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे मिलता है रिवॉर्ड्स का ऑप्शन। आपने अब तक यहाँ पे जितने भी फैंस टोकन्स हासिल किए हैं वो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वॉलेट का। वॉलेट में आपकी तमाम एक्टिविटीज़, आपके तमाम जो एसेट्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और आप यहाँ से अपने एसेट्स को विड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिलता है एक्टिविटी का। अब तक मैंने खुद टोकन में जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं तफसीर बस और मेरी यहाँ पे ये पिक्चर लगी हुई है। यहाँ पे मैंने जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं इथीरियम में, हुड में, नवंबर के मंथ में, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वॉच लिस्ट का। यहाँ पे वो लोग जो कि अपने हुड को सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं वो तमाम लोग यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलते हैं। पंप ऑप्शन को अभी मैं छोड़ूंगा, इसे हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम आ जाते हैं दोबारा से हुड, मतलब कि इनके होम सेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला स्टेप है कि यार मुझे यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक लिंक मिलता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको गूगल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से अपना कोई भी अकाउंट आप सिलेक्ट करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। आपसे यहाँ पे एक रेफरल कोड पूछता है, आपने मेरा रेफरल कोड डाल लेना है अगर मुझे फ़ायदा देना चाहते हैं। अगर आपके पास भी किसी और का रेफरल कोड है तो आप लोग वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना जो वॉलेट है वो कनेक्ट करना होगा भाई। उसके लिए आप होम पे आ जाएंगे, सेटिंग में आ जाएंगे, योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कनेक्ट टू योर वॉलेट का ऑप्शन देता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मेटामास्क वॉलेट होगा वो यहाँ पे अटैच हो जाता है। आपको यहाँ पे अपना नेम देना है, अपना यूज़र नेम देना है, अपना ईमेल एड्रेस जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं, अपने हवाले से यहाँ पे आपको कुछ लिखना है। फिर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, आप यहाँ पे अपनी कोई भी वेबसाइट दे सकते हैं या फिर यूट्यूब का लिंक दे सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक देना है, ट्विटर का लिंक देना है, अगर फेसबुक अवेलेबल है वो देना है, सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ तक हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये कि हम यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, अपने वॉलेट को हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं।
अब आप लोग यहाँ पे पोस्ट शेयर कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा चुका हूँ, और हर पोस्ट के ऊपर भी आपको यहाँ पे खुद टोकन रिवॉर्ड में मिलता है। फिर आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। भाई क्रिएट का मतलब ये कि आप यहाँ पे अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक वीडियो को सिलेक्ट किया, फिर आपके पास में उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन जो है अवेलेबल होना चाहिए, सिंपल जैसे आप लोग यूट्यूब के ऊपर आकर अपनी चीज़ों को अपलोड करते हैं, और सेम बॉक्स में ही रहते हुए आप अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं। मैंने यहाँ पर रिपोस्ट पर क्लिक किया क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। क्लाउड सर्वर से अपलोड कर रहे हैं या डिसेंट्रलाइज से, आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी वीडियो को चेंज भी कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी वीडियो को डाउनलोड करें तो यस करेंगे, अगर चाहते हैं नहीं तो नो करेंगे। इसी तरीके का से आप सिंक का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जब आपका वीडियो अपलोड हो जाता है, आप पब्लिश पर क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो लोगों के लिए पब्लिकली शो हो जाती है और आपकी वीडियो को कोई भी डिलीट नहीं कर सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। अब हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, मतलब ये कि हमने अपने अकाउंट को क्रिएट किया, उसके बाद अब हम यहाँ पे अपनी वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यार एक वीडियो के ऊपर मुझे फुट टोकन कैसे हासिल होगा और उस फुट टोकन को मैं कैसे विड्रॉ कर सकूँगा। आपकी वीडियो को जब देखा जाता है, लाइक किया जाता है या उसके ऊपर कॉमेंट किया जाता है, तो हमारे अकाउंट में फुट टोकन जो हैं हासिल होते रहते हैं, और उन फुट टोकन्स को कैश करने के लिए हमें तीन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, डिपॉजिट फंड, इशू होल्ड और सेल होल्ड। इस प्रोसेस को आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझना है, मगर मैं आप लोगों को अभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहां पे कोई भी एसेट डिपॉजिट करें, क्योंकि अपने होल्ड्स को इशू करने के लिए हमें यहां पे एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट का इथेरियम देना पड़ता है। मगर सबसे पहले आप लोग यहां पे अपनी वीडियोस को अपलोड करते रहें, अपने होल्ड्स को यहां पे अर्न करते रहें। जब अच्छी खासी अमाउंट आपके पास में होल्ड की हो जाती है, उसके बाद आप अपने होल्ड्स को सेल कर सकते हैं। अब एक होल्ड किस अमाउंट में सेल हो रहा है मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, और उससे पहले मैं आपको फिर भी एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि आपने यहाँ पे डिपॉजिट फंड कैसे करना है, फुट को इशू कैसे करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, अभी डिपॉजिट करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर पूरा तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज अभी आप इसे इग्नोर करेंगे। अब इस प्रोसेस को आप लोगों ने बहुत गौर से समझना है। अपने हुड को सेल करने के लिए हमें हुड को इशू करना पड़ता है, मतलब ये कि अपने अकाउंट से हम हुड को इशू करते हैं, सेलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आते हैं। सेलिंग प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे इथेरियम चाहिए होता है। अब ये कहते हैं कि भाई आपको डिपॉजिट फंड्स पे आना है, कैसे, वॉलेट पे क्लिक करोगे, डिपॉजिट ऑन चेन पे क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, और यहाँ पे आपसे एक रेफरल कोड पूछेगा, वो रेफरल कोड आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को कुछ इथेरियम जो है डिपॉजिट कर लेना है। अगर समझ में ना आए तो ये जो फाइल है इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी हासिल हो जाएगा। फिर ये आपको कहता है कि अब नेक्स्ट स्टेप में आप अपने होल्ड को इशू कर सकते हो। इशू होल्ड करने के लिए ये कहता है कि आपको वॉलेट पे आना होगा, तो मैं अपने होम पेज पे आता हूँ, वॉलेट पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देखोगे कि मुझे यहाँ पे इशू होल्ड का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी अपने होल्ड्स को इशू कर चुका हूँ, सेल कर चुका हूँ। जब मेरे पास नए होल्ड्स बनेंगे तब मेरे पास यहाँ पे होल्ड को इशू करने का ऑप्शन भी आ जाएगा, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे एग्री करना होगा, फिर आपको ये इशू इमीडिएटली का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंप्लीट ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, आपके जो होल्ड हैं वो इशू हो जाते हैं, उसके बाद में आप अपने होल्ड्स को सेल कर सकते हैं। अब बात ये कि एक होल्ड की भाई इस वक्त में क्या प्राइस चल रही है, उसे देखने के लिए आप आते हो होल्ड पे, मतलब होम पेज पे, या फिर यहाँ पर जो होल्ड ऑप्शन नज़र आ रहा है सिंपल आकर इस पे क्लिक कर देते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट बायर्स भी मिलते हैं, सेलर्स भी मिलते हैं, जो ग्रीन कलर में हैं ये बायर्स हैं, जो रेड कलर में हैं ये सेलर्स हैं। आपको अपने होल्ड्स को सेल करना है तो उसके लिए डेफिनेटली आपको बायर्स की ज़रूरत होगी। आप यहाँ से किसी भी एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये एक होल्ड की क्या यहाँ पे प्राइस मांग रहा है, और आपको यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल आप लोग सेल पे क्लिक करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए ऑलरेडी मैं अपने होल्ड्स को यहाँ से सेल कर चुका हूँ। आपके जो होल्ड्स होंगे यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। मैक्स पे आप लोग क्लिक करते हैं, सेल पे क्लिक करते हैं, आपके जो होल्ड सेल होकर इथेरियम की सूरत में आपके अकाउंट में आ जाते हैं, और फिर आप लोग वापस आते हैं, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आकर आप अपना वॉलेट एड्रेस देते हैं, कोशिश करें कि एड्रेस आप अपना वही दे दें जो आपने यहाँ पे मेटामास्क वॉलेट का दिया है, अदरवाइज आप लोग ट्रस्ट वॉलेट का भी दे सकते हैं या फिर बाइनेंस का भी दे सकते हैं,
और आपके जो फंड्स हैं आपके वॉलेट में बहुत आसानी से रिसीव हो जाते हैं। यह था एक मुख्तसर सा तरीका कि आप लोग अपनी वीडियोस के ज़रिए खुद टोकन को कैसे हासिल करोगे और फिर उसे विड्रॉ कैसे करोगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो कि हमें फ्री में मिल रही होती है वो है भाई इनके फैंस टोकन। मैंने आप लोगों को इस वीडियो के शुरू में बोला था कि हम अपनी वीडियोज़ को यहाँ पर फ्री में प्रमोट कर सकते हैं, उनकी प्रमोशन कर सकते हैं, उनका एड लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से आता हूँ तो आप लोग देखोगे मेरे पास में फैंस जो है इसको 2920 हैं। इन फैंस टोकन्स को आप लोग 2 से 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग इन फैंस टोकन्स के ज़रिए NFTs को बाय करना चाहते हो तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मैं NFT पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये क्या बताता है कि अगर आपके पास में 5000 फैंस टोकन है आपको यहाँ पे प्लेटिनम कार्ड मिलता है। अगर आपके पास में 2000 फैंस टोकन है आपको गोल्डन कार्ड मिलता है। अगर 500 फैंस पॉइंट है तो आपको यहाँ पे सिल्वर कार्ड मिलता है और आप यहां से NFTs इनकी हासिल कर लेते हो। उसके अलावा आपको यहां पे एक और इसका भी फ़ायदा मिलता है, फैंस प्रमोशन पे मैं क्लिक करता हूं। जैसे आप अपनी वीडियोस को गूगल एडसेंस के ऊपर लगाकर प्रमोट करते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियोस को देख सकें, इसी तरीक़ेकार से अगर आप अपनी वीडियोस को यहां पे प्रमोट करना चाहते हो तो आप फैंस टोकन में फ़ीस पे करके अपनी यहां से प्रमोशन कर सकते हो, जिसके ज़रिए आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी और आपकी वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा फैंस आएंगे। उन फैंस से आपको फ़ैन पॉइंट्स भी मिलेंगे, आपको खुद टोकन भी मिलेगा और हॉट टोकन्स को आप लोग यहाँ से आकर बहुत आसानी से विड्रॉ कर लोगे। अभी भी आप लोगों के लिए मेरे पास में 2 चीज़ें हैं। एक तो मेरे पास में एक प्लेटफॉर्म है डेसो प्रोटोकॉल जो कि बिल्कुल ट्विटर की तरह काम करता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप लोग डेसो प्रोटोकॉल के भी यूज़ कर सकते हैं और रिवॉर्ड में आप लोगों को इनका डेसो टोकन मिलता है जो कि ऑलरेडी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि आप लोगों ने डेसो प्रोटोकॉल के ऊपर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और यहाँ से हम अपनी अर्निंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ही हासिल हो जाएगा। और अगर आप लोग क्रिप्टो के हवाले से फ्री में सिग्नल चाहते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ भी आपको क्रिप्टो के फ्री सिग्नल्स भी मिलते हैं और हम यहाँ पे मल्टीपल एयरड्रॉप्स भी आप लोगों के लिए शेयर करते रहते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लें या सर्च ऑप्शन में आकर लिखें C*512। सी से क्रिप्टो बनता है तो आप लिखोगे C*512, हमारे इस चैनल के ऊपर आ जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो आपको हमें कॉमेंट करना होगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो फैंस रूट के ऊपर आप लोगों के लिए शेयर करूं, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली मुकम्मल तरीके से विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। और फिर फैंस रूट के बाद में आप लोगों के लिए 8 से 10 और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप लोग अपनी वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है हमें कॉमेंट करके लाजमी बताइएगा सो दैट हम इसी किस्म का कॉन्टेंट आप लोगों के लिए शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।